नमस् संस्कृताएँ मित्रों मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटरनल एडिसन्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जे आर एफ असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय का निःशुल्क तैयारी कराया जा रहा है पूरा मैटर हमारे चैनल के माध्यम से धीरे धीरे प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा और मार्गदर्शन दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि मनुष्य जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए परमात्मा द्वारा निर्देशित किए गए कुछ विद्वानों ने ग्रंथों की रचना की इन ग्रंथों के आधार पर ही समाज ने शिक्षा प्रेम सभ्यता और संस्कृति आदि नीतिपूर्ण वार्ता को अपने में समाहित किया मानव जाति के कल्याण के लिए, लिए लिखे गए इन उपदेशात्मक ग्रंथों का प्रभाव आज भी हमारे समाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है तो इसी क्रम में मैंने आज महाभारत को लेकर उपस्थित हुई हूँ इसके पहले मैंने रामायण का परिचय दे दिया है रामायण पे एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है उसे आप जाकर जरूर देखिएगा तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे महाभारत का परिचय बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं आशा करती हूँ कि श्रवण मात्र से ही ये सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी और एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो वो तुरंत आपके दिमाग पे क्लिक करेगी तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए महाभारत का परिचय परम ऋषि व्यास द्वारा रचित महाभारत प्राचीन इतिहास का अच्छा स्रोत एवं विश्व कोश है महाभारत शब्द की वित्पत्ति आचार्य पाणिनी ने व्याकरणिक पद्धति से की है पाणिनी के अनुसार भारत शब्द में महान शब्द लगाने पर महाभारत शब्द बनता है विद्वानों ने इसका निम्न प्रकार से अर्थ लिया है भारताम योद्धारो यस्मिन युद्धे तद भारतम जिस युद्ध को भारतवंशी योद्धा लड़े हों वह भारत कहलाया क्योंकि भारतों का महान युद्ध था इसलिए यह महाभारत कहलाया स्वयं महाभारत में यह लिखा है चतु चतुमर्य सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो हम यदा तदा प्रभृति लोके महाभारत मुच्यते महत त्वे चा गुरुत्वे चा माडो यतो अधिकम महत्वाच्य भारवत्वाच्य महाभारत मुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पाप्र मुच्यते चारों वेदों उपनिषदों में भार और महत्व की दृष्टि से महाभारत अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए यह काव्य महाभारत कहलाया जो इसकी निरुक्ति को जानता है वह संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है।, है इसमें उस समय का इतिहास लगभग एक लाख ग्यारह हजार श्लोकों में लिखा हुआ है एक लाख से अधिक श्लोक होने के कारण महाकाव्य को सतशाहस्त्री संहिता भी कहते हैं, हैं। महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय स्रोत है ये कृति प्राचीन भारत के इतिहास की गाथा है इसी में हिंदू धर्म का पवित्रम ग्रंथ गीता सन्निहित है पूरे भारत में लगभग एक लाख ग्यारह हजार श्लोक जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में दस गुना अधिक हैं किंतु हिंदू मान्यताओं पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेद जी को माना जाता है इस काव्य के रचयिता वेद जी ने अपने इस काव्य में वेदों वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय शिक्षा चिकित्सा ज्योतिष युद्ध नीति योगशास्त्र अर्थशास्त्र वास्तुशास्त्र शिल्पशास्त्र कामशास्त्र खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया है प्राचीन समय में इस काव्य ग्रंथ को ऋषि मुनियों द्वारा मौखिक याद रखा जाता था लेकिन बाद में इतने बड़े काव्य को याद रखना कठिन था फिर इसके बाद इसको पांडुलिपियों में लिखा गया समय निकलने के बाद यह आधुनिक महाभारत के रूप में जन सामान्य के बीच आया इन संपूर्ण तथ्यों से यह माना जा सकता है कि महाभारत निश्चित तौर पर ज्योतिषी तिथियों भाषाई विश्लेषण विदेशी सूत्रों एवं प्रमाणों से मेल खाती है परंतु आधुनिक संस्करण की रचना 600 से 200 पूर्व हुई होगी। अधिकतर अन्य वैदिक संहिताओं के समान ही यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा के द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा और बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले इसके और भी संस्करण हो गए महाभारत की लोकप्रियता भारत नेपाल इंडोनेशिया श्रीलंका जावादीप थाईलैंड तिब्बत म्यांमार आदि देशों में है विद्वानों द्वारा महाभारत का मूल तत्व और आधार कौरवों और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष है महाभारत का काल अब हम महाभारत का काल देखेंगे महर्षि व्यास द्वारा विरचित महाभारत को पंचम वेद के रूप में प्रस्तुत किया गया है यहाँ बार बार ये लाइन आ रही है कि महाभारत को पंचम वेद के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो ये आप ध्यान रखिएगा कभी कभी ये प्रश्न भी बन जाता है यह महाभारत यह महाकाव्य जय भारत महाभारत यानी पहले जय फिर भारत फिर महाभारत ये क्रम भी पूछता है इन तीन स्वरूपों में विकसित हुआ अठारह पर्वों में बना हुआ यह महाकाव्य कुरु राजवंश का इतिहास धर्म अर्थ काम मोक्ष और चारों पुरुषार्थों से युक्त आज भी जनसाम को उचित मार्गदर्शन देने के लिए प्रस्तुत है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विद्याओं से युक्त यह ग्रंथ विश्वकोश कहा जाता है इसका रचना काल चार ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है महाभारत का कथानक भी वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के समान परवर्ती कवियों और लेखकों के लिए पर्याप्त प्रेरणादायक है वेदव्यास जी को महाभारत की रचना करने में तीन वर्ष लगे इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि इतनी विकसित नहीं थी सर्वप्रथम वेदव्यास द्वारा विरचित रचित एक लाख श्लोकों और सौ पर्वों का जय महाकाव्य जो बाद में महाभारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ इसका संभावित रचनाकाल १००० हजार ईस्वी ईसा पूर्व माना गया है दूसरी बार व्यास जी के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन द्वारा पुनः इसी जय महाकाव्य को जन्मेजय के यज्ञ समारोह में ऋषि मुनियों को सुनाया तब यह वार्ता भारत के रूप में जानी गई इनका वास इनका संभावित रचनाकाल तीन हजार ईसा पूर्व माना गया तीसरी बार फिर से वैशंपायन और ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई महाभारत को सूत जी द्वारा अठारह पर्वों में सुव्यवस्थित करके समस्त ऋषि मुनियों को सुनाया गया इसका संभावित रचनाकाल दो हजार ईसा पूर्व माना गया है महाभारत में लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुछ दिनों बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी कुरुक्षेत्र के युद्ध के कुछ दिनों बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध एक मिनट क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध भारत के पारंपरिक रूप से इकतीस सौ ईसा पूर्व माना जाता है इसलिए यह संभावित रचना समय दिया गया है अधिकतर पाश्चात्य विद्वान महाभारत को 1000 हजार ईसा पूर्व लिखा मानते हैं और कुरुक्षेत्र युद्ध को 1400 से 100 ये ईस्वी पूर्व ईस्वी पूर्व परंतु महाभारत में दी गई ज्योतिषी गणनाएं भी 3100 सौ ईसा पूर्व की ओर संकेत करती हैं वर्तमान महाभारत के रचनाकाल के संबंध में विचारणीय बिंदु निम्न है 445 सौ ईस्वी के शिलालेख में सत साहस्त्र... शत साहस्त्र संहितायाम वेदल्यानुक्तम अर्थात महाभारत के एक लाख से अधिक श्लोक होने के कारण वेदव्यास ने सत शाह्रयाम संहिता कहा है इस प्रकार यह महाभारत में निर्देश प्राप्त है कनिष्क के सभा पंडित श्री अश्व वज्रसूची हरिवंश महाभारत में इस पद का उद्धरण किया है इसी प्रकार ने में विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख किया है इन दोनों ग्रंथों की स्थिति काल ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी चतुशताब्दाम महान माना जाता है अतः महाभारत की मूल रचना इनसे पहले की प्रतीत होती है बुद्ध से पूर्व ही महाभारत की रचना निश्चित है अतः महाभारत का रचनाकाल चार सौ ईस्वी पूर्व से पूर्व ही मानना न्याय संगत होगा अब हम देखेंगे महाभारत कालीन समाज महाभारत भारत की तत्कालीन धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक क्रिया तथा मानवीय परंपराओं को उपस्थित करती थी सामाजिक जीवन के वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से प्रमुख चार वर्ग किए गए वे चारों वर्ग निम्न प्रकार हैं: ब्राह्मण क्षत्रिय के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए ब्राह्मण के लिए यज्ञ अध्ययन दान आदि क्रिया निश्चित किए गए वैश्यों के लिए कृषि कार्य पशुपालन वाणिज्य आदि कार्य निश्चित किए गए और शूद्र के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की सेवा कर जीविकोपार्जन करना ये निश्चित किए गए थे उस समय महाभारत कालीन समाज में चार आश्रम थे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम इन चारों आश्रम के नियम और इसमें रहने के लिए उम्र और समय निर्धारित किए गए थे तत्कालीन समाज में सोलह संस्कार थे जिन्हें मानना अनिवार्य था उस समय आठ प्रकार के विवाह भी प्रचलित थे मैंने रामायण वाले पोर्शन में सोलह संस्कारों और ये आठों प्रकार के विवाह का नाम वहाँ पे जिक्र किया है वहाँ से जाके आप उसको याद कर सकते हैं बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी इस प्रथा में राजा या सामान्य जन एक से अधिक पत्नी रख सकते थे उनके लिए विवाह संबंधी कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए थे इस प्रकार समाज में स्त्रियों की स्थिति शोभनीय नहीं थी पुत्री के जन्म लेने पर लोगों में प्रसन्नता नहीं होती थी पुरुष अनेक विवाह कर सकते थे सती प्रथा भी प्रचलित थी तत्कालीन समाज में गंधारी कुंती द्रौपदी सुभद्रा सत्यभामा आदि नारियों का दायित्व उनके अधिकार के अनुसार था इनसे सिद्ध होता था कि स्त्रियों की स्थिति एक जैसी नहीं थी माता पिता और गुरुओं का स्थान पूजनीय था भीष्म की एकलव्य अर्जुन की गुरु भक्ति सुप्रसिद्ध थी विद्यार्थी गुरुकुलों में जाकर पढ़ते थे उस समय आनवीक्षकीय वार्ता दंडनीति आयुर्वेद आदि की शिक्षा दी जाती थी त्रय आन्विक त्रयी चा त्रय चान्वीक्षकी चैव वार्ता च भरत और सभ महाभारत काल में प्रायः समाज का वातावरण प्रदूषण युक्त एवं विशेषतः राज परिवारों में अनीतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित थी धर्म का उदात्त रूप विद्यमान नहीं था धर्म की स्थान पर स्वार्थ परायणता का विस्तार हुआ जैसे द्रौपदी के चीरहरण होने पर सभी सभासद दुर्योधन के भय से मौन रहकर चुप बैठे हुए थे महाभारत काल की सामाजिक परिस्थितियां वर्णाश्रम व्यवस्था के जरिए तय होती थी इस व्यवस्था की वजह से चार वर्ण बने जो बाद में भयानक जाति प्रथा में तब्दील हो गए जो आज भी जारी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को अलग अलग काम दिए गए ब्राह्मणों के जिम्मे शिक्षा धर्म और आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती थीं ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना जाता था क्योंकि वे इस दुनिया से परे की चीज़ों से जुड़े होते थे क्षत्रिय शक्तिशाली होते थे क्योंकि सैन्य बल और समाज की ताकत दोनों उन्हें हासिल थी वैसे चालाकी से काम निकालते थे क्योंकि इनके पास धन होता था शूद्रों को आमतौर पर दबाया कुचला जाता था लेकिन उनके पास संख्या बल था उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी कभी कभार वे हिंसा पर उतर आते थे और सभी को नीचा दिखाते थे लेकिन आमतौर पर वे दलित ही थे समाज के चारों वर्गों के लिए धर्म की स्थापना की गई धर्म के आधार पर ही तय होता था कि चारों वर्णों के कार्य व नियम क्या क्या होंगे महाभारत काल में एक महान संत हुए जिन्हें महर्षि पराशर के नाम से जाना जाता है वे समाज को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए आजीवन प्रयासरत रहें उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया वह ऐसे परम ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे कि उन्होंने ब्रह्म तेज की स्थापना के लिए अनेक साधकों को साथ में लेकर सैकड़ों आश्रमों की नींव रखी महाभारत काल में सैकड़ों राज्य और उनके राजा थे जिनमें कुछ बड़े तो कुछ छोटे थे कुछ राजा असभ्य और अत्याचारी थे जिनके आचरणों से समाज किसी न किसी रूप में पीड़ित रहता था अतः स्पष्ट होता है कि कालीन समाज में अस्थिरता मनुष्यों में भौतिक पदार्थों के प्रति इच्छा अहम भाव प्रदर्शन की प्रबल उत्कंठा और स्नेहहीनता की भावना पूर्णतः विकसित हुई अब हम देखेंगे परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत महाभारत सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है जीवन के शाश्वत मूल्यों के वर्णन के कारण से सभी रसों के उचित परिपाक के कारण से अनेकानेक छोटे छोटे आख्यान के संग्रह के कारण से बहुत से कवियों ने महाभारत को आधार बनाकर और मार्गदर्शन प्राप्त करके काव्य रचना की वे निम्न हैं। तो देखते हैं महाकाव्य कौन कौन से हैं जो रामायण पर हैं। ये सब एग्जाम में छाटने के लिए दे देता है तो शिशुपालवधम माघ नैषधीय चरितम श्रीहर्ष किरातार्जुनियम भारवी धूतगट दूत, गट, दूत दूत घटोत्क दूतवाक्यम कर्णभारम मध्यम व्यायोगम, पंचरात्र और उरूभंगम का है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास वेड़ी संहार भट्ट नारायण और बाल भारत बाल भारतम राजशेखर का ये जितने भी महाकाव्य हैं ये महाभारत पर आधारित हैं अब चंपू काव्य देख लीजिए कौन कौन से हैं नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट भारत चंपू अनंत भट्ट से पांचाली स्वयंबर चंपू नारायण भट्ट द्रौपदी परड़य चंपू नंद्र कवि इन सभी ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य काव्य भी महाभारत को आधार बनाकर लिखे गए हैं अब महाभारत का साहित्यिक महत्व देखेंगे हम महाभारत एक अनुपम साहित्य ग्रंथ है अत इसका विलक्षण साहित्यिक महत्व है जिसका वर्णन निम्नलिखित है गुण और रीति दृष्टि से महाभारत में पांचाली रीति है शब्दार्थयो समो गुम्फ पांचाली रीति ऋष्यते यह ग्रंथ ओज प्रसाद माधुर्य आदि सभी काव्य गुणों से परिपूर्ण है रस यद्यपि महाभारत में अंगी रस शांत है फिर भी भीष्म कर्ण शल्य आदि की बातों से वीर रस की धारा प्रवाहित होती है अलंकार महाभारत में शब्द अलंकारों में मुख्य रूप से अनुप्रास अर्थालंकारों में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास अलंकार दिखाई देते हैं जैसे भीमो भीम पराक्रम अशोक शोक नाशन छंद महाभारत में अधिकांशतः अनुष्टुप छंद का प्रयोग है लेकिन कहीं कहीं गद्य भाग भी दिखाई देता है अनुष्टुप छंद के अतिरिक्त अन्य छंदों का भी प्रयोग है जैसे अलंकृत शुभ शब्दे शब्दों शब अलंकृत शब्दे छंदो वृत्त विविध भाषा शैली महाभारत की संवादात्मक शैली भाषा गंभीर और प्रभावोत्पादक है मुहूर्त ज्वलितम ही श्रेयो नौच धूमा, धूमा इतम चिरम इसलिए यह महाकाव्य विश्व साहित्य में अनुपम है अब महाभारत में हम आख्यान देखेंगे कौन कौन से हैं। महाभारत के मुख्य आख्यान निम्नांकित हैं। कद्रु विनतो पाख्यानम आदि पर्व दक्ष प्रजापति विनता इन दोनों कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ होने का वर्णन तथा गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है शकुंतलोपाख्यानम आदि पर्व दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का, का वर्णन है यह आख्यान कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है यया सुपाख्यानम आदि पर्व ययात की यौवन प्राप्ति की कथा उपनिबद्ध है शिशुपाल शिशुपालोपाख्यान सभा पर्व शिशुपाल वध की कथा वर्णित है मत्स्योपाख्यान वन पर प्रलय अवस्था में मछली द्वारा मनु की रक्षा का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में भी यह कथा प्राप्त होती है नलोपाख्यान वन पर्व नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैजधी चरितम और त्रिविक्रम द्वारा रचित नल चंपू आख्यान आदि महाभारत को आधार बनाकर लिखे गए हैं। पर्व इस आख्यान में महाराज शिवी सेन से कपोत की रक्षा करते हैं रामोपाख्यानम वन पर्व इसमें वाल्मीकि रामायण का सार संक्षेप में वर्णन किया गया है सावित्री उपाख्यानम वन पर्व इस आख्यान में सावित्री और सत्यव्रत की प्रणय कथा का वर्णन और इन दोनों की कथा पतिव्रत धर्म का आदर्श उपस्थित करती है अम्बोपाख्यान उद्योग पर शिखंडी भीष्मेन किमर्थम अवध्य ऐसा पूछने पर दुर्योधन को भीष्म ने अम्बा और अम्बालिका का वृतांत सुनाया इस प्रकार ये आख्यान परवर्ती कवियों के लिए प्रेरक सिद्ध हुए अब हम महाभारत के विकास को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहले जय महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था जयो नाम इतिहासो अयम श्रोतव्यो विजी गी, गी शुषा शुड़ा विजी गी शुडा महाभारत के मंगल श्लोक में भी स्पष्ट उल्लेख है नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदी रेत वर्तमान महाभारत के आदि पर्व के पैसठवें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन इसी में है इसमें अठासी सौ श्लोक थे व्यास ने इसे वैशंपायन को सुनाया था धर्म चर्चा मुख्य विषय वस्तु थी फिर भारत द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ इसमें चौबीस हजार श्लोक थे इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था भारत का प्रवचन वैशंपायन ने व्यास के आदेश पर जन्म जय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था अब महाभारत अंतिम अवस्था में एक लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ बना महाभारत भारत को महाभारत के रूप में परिणित करने का अवसर नैमिषराय नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था इस यज्ञ को शौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया यह द्वादश वार्षिक सत्र था इसके प्रवक्ता सौती नामक ऋषि थे बारह वर्षों के दीर्घ काल में सौती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा शांत की भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत है महत्वाद भारत तत्वाच महाभारत मुच्यते पुनः संस्करण के संपादक डॉक्टर सुखथनकर के अनुसार इसमें उपग्रहण का कार्य मुख्यतः भृगुवंशी ब्राह्मणों ने किया कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे कृष्ण की कथा से अलंकृत करने के लिए इसमें हरिवंश खिल पर्व परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया सौती ने विशालकाय महाभारत को अठारह मुख्य एवं दीर्घ पर्वों में विभक्त किया वैशंपायन के अनुसार इसमें दो सहस्र अध्याय हैं। इसमें वर्तमान संस्करण में 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं महाभारत की विषय वस्तु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है अब हम बारी बारी 18 पर्वों को देख लेंगे पहला है आदि पर्व इसमें 19 उप पर्व दो अध्याय 9000 हजार श्लोक तीसरा पौष उप पर्व है जिसमें जन्मे के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है पैलोम तथा आस्तिक उपपर्व में महाभारत की भूमिका वर्णित है शकुंतला आख्यान पूर्वी राजाओं का वर्णन इसी पर्व में मिलता है धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से सौ पुत्रों की प्राप्ति पांडु की पत्नियों कुंती प्लस माद्री से नियोग द्वारा पांच पुत्रों के जन्म की घटनाएं कौरवों पांडवों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाहादि का वर्णन है फिर है सभा पर्व दूसरा इसमें दस उप पर्व और एक इक्यासी अध्याय हैं। पांडवों की दिग्विजय यात्रा जरा संधवध युधिष्ठिर द्वारा राजसु यज्ञ शिशुपाल द्रौपदी का चीरहरण, द्यूत क्रीडा में युधिष्ठिर का हारना बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास तीसरा है वन पर्व इसमें बाईस उप पर्व तीन सौ पंद्रह अध्याय नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं सावित्री तथा तो सत्यवान की कथा है इसमें दुशासन द्वारा द्रोपदी का चिरहरण, इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने का वर्णन मनोरंजन की विविध आख्यान है पांडवों की तीर्थ यात्रा है चौथा है विराट पर्व इसमें उप पर्व है बहत्तर अध्याय है उप पर्व में सत्ताईस श्लोक है पांडव वेश बदलकर मत्स्य राज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप में रहते थे द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध, विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण कर लेने पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध तथा कौरव पराजित होते हैं। अंतिम उपपर्व वैवाहिक पर्व में विराट की पुत्री का पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ पांचवा है उद्योग पर्व इसमें दस उपपर्व एक सौ अध्याय इकहत्तर सौ श्लोक इसका मुख्य वृत्त शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की की प्रस्तुति दोनों पक्ष मित्र संग्रह में सन्नद्ध होते हैं कृष्ण के पास सहायता है तो अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं दुर्योधन को पूरी सेना अर्जुन को शस्त्र न धारण करने वाली प्रतिज्ञा के साथ कृष्ण मिलते हैं शांति प्रस्ताव जो पांडव केवल पांच गांव लेकर भी संतुष्ट रहने की बात करते हैं कृष्ण का भी शांति दूत बनना व्यर्थ हो जाता है अम्बोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई है काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण भीष्म ने किया था दूसरे जन्म में अम्बा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं शिखंडी में भीष्म से बदला लेने की भावना होती है महाभारत युद्ध की प्रस्तावना है फिर है छठवां भीष्म पर्व ये सारे पर्व आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए इसमें पांच पर्व हैं एक सौ बाईस अध्याय है इकसठ सौ श्लोक हैं भीष्म के सेनापतित्व में दस दिनों तक महाभारत युद्ध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृतांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताता है सभा पर्व के समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल वर्णन है युद्ध के आरंभ में कृष्णार्जुन संवाद के रूप में अठारह अध्यायों का आंसर श्रीमद्भगवद गीता है युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के लिए उद्धत होते हैं भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं शिखंडी को आगे करके अर्जुन द्वारा भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया गया भीष्म को प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा फिर है सातवा द्रोड़ पर्व इसमें इसमें आठ उप दो सौ दो अध्याय और दस हजार श्लोक द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरव तथा पांडवों के साथ पांच दिनों तक के भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन है युद्ध में क्रमशः क्रमशःको अभिमन्यु जयद्रथ है। अभिमन्यु की मृत्यु पर व्यास युधिष्ठिर के दुख को कम करने के लिए सोलह राजाओं का चरित्र सुनाते हैं द्रोड़ का वध पूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वस्थामा कुपित होकर नारायण शास्त्र का प्रयोग करता है द्रोड़ के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है अब आठवां है कर्ण पर्व इसमें क्या है कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है जो दो दिनों सोलहवें सत्रहवें तक युद्ध करके मारा जाता है कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है कर्ण और शल्य का परस्पर रोचक वाग युद्ध वाणी युद्ध होता है फिर शल्य पर्व नौवा इसमें दो उपपर्व हैं है पर्व गदा पर्व पैंसठ अध्याय सैतीस सौ श्लोक इसमें महाभारत के अंतिम दिन अठारवे दिन के युद्ध का वर्णन है शल्य कौरवों का सेनापति बना द्रोड़े कर्णे भीष्मे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जैश्यति पांडवान शल्य का वध दुर्योधन का गदा युद्ध और उर्भंग इस पर्व की मुख्य घटना है इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है शल्य पर्व के आख्यानों में तीर्थों का महत्व वर्णित है सौप्तिक पर्व एक उपपर्व ऐशिक 18 अध्याय आठ सौ दस मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के पांचों पुत्र के मारे जाने की घटना है यह कुकर्म कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वस्थाना ने किया इस समाचार से दुर्योधन की संतोष पद मृत्यु होती है पांडव अश्वस्थामा को पकड़कर उसके सिर की मड़ी निकाल लेते हैं फिर ग्यारवा है स्त्री पर्व इसमें तीन उपपर्व जल प्रदानिक स्त्री विलाप श्राद्ध सत्ताईस अध्याय आठ सौ बीस लोग श्राद्ध उप में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृतांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने को कहती है इस घटना पर युधिष्ठिर स्त्री जाति को साप देते हैं कि अब स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी गांधारी द्वारा कृष्ण के वंश के विनाश का शाप बारहवा है शांति पर्व तीन राज धर्म धर्म, मोक्ष धर्म। 365 यह पर्व राजधर्मानुशासन तीन सौ पच्चीस के बाद में जोड़ा हुआ पर्व प्रतीत होता है यह पर्व जय और भारत में नहीं था यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है इसमें धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है राजधर्म वर्ण धर्म आश्रम धर्म दंड नीति आपद धर्म आदि की विवेचना हुई है मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि जीव आत्मा कर्म ज्ञान पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन इस प्रसंग में पराशर गीता अध्याय दो सौ नब्बे से अंठानवे हंस गीता अध्याय दो सौ निन्यानवे आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है यह पर्व अपने आप में स्वतंत्र पुराण जैसा है सरसैया परिभीम के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया गया है तेरहवा है अनुशासन पर्व इसमें दो उप हैं है एक सौ अड़सठ अध्याय हैं दस हजार श्लोक मुख्य रूप से धर्मशास्त्रीय उपदेश हैं विषय वस्तु की दृष्टि से शांति पर्व के समान प्रथम उप दान धर्म एक सौ छाछठ अध्याय द्वितीय उप पर्व भीष्म का स्वर्गारोहण दो अध्याय ब्राह्मणों की महत्ता तथा उन दान करने का वर्णन जैसा महाभारत में है वैसा अन्यंत्र कहीं नहीं है इस पर्व के सत्रहवें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत तथा एक सौ में विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत है चौदहवा है आश्वेधिक पर्व इसमें नाइन्टी टू अध्याय चार हजार दो सौ पचास लोग व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर रसो में यज्ञ करते हैं अर्जुन द्वारा एक वर्ष तक की रक्षा होती है अनुगीता नामक उप में दर्शन शास्त्र की सामग्री है दक्षिण भारतीय संस्करण में इक्कीस अध्यायों का एक अतिरिक्त उपपर्व वैष्णव वैष्णो धर्म है पंद्रहवा है आश्रम वासिक पर्व तीन उपपर्व, पर्व उनतालीस अध्याय एक सौ दस श्लोक मुख्य विषय वस्तु इसमें है धृतराष्ट्र के साथ गांधारी कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना धृतराष्ट्र के पंद्रहवें पंद्रह वर्षों तक युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहे उसके बाद वनवास फिर है मौंसल पर्व सोलहवां तीन सौ चार श्लोक युधिष्ठिर के सिंहासनारोहण के छत्तीस वर्ष बाद गांधारी का शाप सत्य होता है यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं कृष्ण भी एक व्याघ द्वारा भ्रम वर्ष मारे जाते हैं यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही इस पर्व का नाम मौसल है फिर सत्रहवा है महाप्रस्थानिक पर्व इसमें तीन अध्याय हैं 115 सौ श्लोक पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है हिमालय में क्रमशः द्रौपदी सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं युधिष्ठिर पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं फिर है अठारवा स्वर्गारोहण आखिरी पर्व है ये इसमें पांच अध्याय 220 श्लोक इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने तथा देवदूत के साथ नरक जा, में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का वृतांत है आश्वासन पाकर दिव्य लोग जाकर कृष्ण अर्जुन आदि से मिलते हैं अंतिम अध्याय में महाभारत का महा महात्मा तथा उपदेश है इसे महाभारत का सार भारत सावित्री कहते हैं तो इस प्रकार आपको अठारहों पर्वों का नाम एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए क्योंकि सीधे सीधे पूछ देता है पहले पर्व का नाम क्या है दूसरे पर्व का क्या नाम है तो आपको ऐसे याद होना चाहिए आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति अनुशासन आश्वमेधित आश्रम वासिक मौंसल महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ देता है गांधारी किसकी माँ थी तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी सुबुद्रा किसकी बहन थी कृष्ण की बहन थी माद्री किसकी माता थी नकुल और सहदेव की भीष्म पितृकृतम नाम किम देवव्रत सैवलो अस्ति शकुनि द्रोड़ी अस्ति अश्वस्थामा दासी पुत्र कह वध केन ठीक है फिर आतीत ये कौन था अर्जुन तो आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है हमने महाभारत के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता दी उम्मीद करती हूँ कि इनमें से ही प्रश्नों के बनने की पूरी पूरी संभावना बनेगी तो अगले क्लास में हम देखेंगे पुराणों के बारे में तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए क्योंकि हमारा चैनल संस्कृत के सेवा के लिए बहुत ही मनोयोग से काम कर रहा है अगर आप सभी संस्कृत के सुधीजनों का सपोर्ट मिलेगा तो ये चैनल बहुत ही आगे चला जाएगा और उन विद्यार्थियों की सहायता ज़रूर करेगा जो कहीं ना कहीं शुल्क के अभाव में पुस्तकों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल पे पूरा मैटर निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नमः संस्कृताय धन्यवाद